फसल में लगने वाला एक ऐसा कीट है जिसको किसान साथी कई नामों से जानते हैं, जैसा कि तनाछेदक, स्टेम बोरर या फिर सुंडी। किसान साथी इसको कंट्रोल करने के लिए अपने खेत में काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही कम मात्रा के अंदर कंट्रोल हो पाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी रोकथाम का बिल्कुल सस्ता और सरल तरीका बताने वाला हूँ। किसान साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आपको लक्ष्मण रेखा नाम से कुछ एक चाक दिखाई दे रहे हैं, जिसको कई किसान साथी अपने घर पे शायद प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन मैंने इस रेखा चाक का इस्तेमाल अपनी चावल की फसल में इस तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए किया था। मेरे को इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला। किसान साथियों, ये करीब अपना 10 रुपये के आसपास एक चौक की कीमत पड़ जाती है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपको क्या करना है, 8 से 10 चौक को लेना है और इन 8 से 10 चौक को 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। उसके बाद उस पानी का छिड़काव अपने खेत में कर देना है। अगर आप साथ में कोई फंगीसाइड यूज़ करना चाहते हो तो भी आप फंगीसाइड यूज़ कर सकते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं। किसान साथियों, अपनी जो दूसरी इंसेक्टिसाइड आती है जैसा कि कोराजन, ये काफ़ी महंगी पड़ती है किसानों को और फिर भी हमको उसका जो पूरा रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता। एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखें, ज़्यादा नहीं तो एक आधे एकड़ के अंदर इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपका ना तो ज़्यादा खर्चा हो और जो आपकी समस्या है उसका भी समाधान हो जाए। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों, दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो कृपया करके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद किसान साथियों।